तो गाइस ये मोटर आ चुका है अभी इसके बाद। हमने हेड खोल दिया था, ये ऊपर का फ्रंट हेड होता है खोल दिया, तो देन ये मोटर कहीं और से नहीं खुलती, इसको नीचे से काटना पड़ता है। ये देखिए मोटर हमारी फाइन वर्किंग है, मोटर की आपको चलने की आवाज़ आ रही होगी। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे ABS में प्रॉब्लम आ रही है बाइक में, तो मैं बाइक लेकर आया था हसन वगैरह 46 में। तो यहाँ पे बाइक खुलवाते हैं और चेक करवाते हैं, क्योंकि मैं वर्कशॉप पे गया था तो उन्होंने बोल दिया था कि इसकी मोटर ख़राब है। तो मोटर का जो कोर्स था, मोटर का 12-13 हज़ार का कोर्स आ रहा था। तो गाइस बाइक हमारी खुल रही है, तो साथ में आपको बता दूँ जो ABS का एक सेंसर पीछे लगा होता है और एक सेंसर आगे लगा होता है, ये रहा सेंसर। तो इन केस अगर आपका ABS काम नहीं कर रहा तो आप इन सेंसर्स को भी पहले चेक करवा सकते हो। तो मैंने अपना सेंसर चेक करवा लिया था, मेरा सेंसर एकदम सही काम कर रहे हैं, दोनों सेंसर फ्रंट और बैक का सही काम कर रहा है। तो OBD मीटर पे लगवा के मैंने चेक करा था, तो उसमें पता चला कि इसकी जो पंप मोटर है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हम पंप मोटर को निकलवा के चेक करते हैं, क्योंकि ये मोटर रिपेयर नहीं होती, बट हम चेक कर लेते हैं, अगर ये रिपेयर हो जाएगी तो हम इसी को मोटर को कामयाब कर देंगे। ये हमारे कपड़ा रखने की जगह, तो गाइस देखिए ये इसकी ABS मोटर होती है जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हम इसको खोलने का ट्राई करेंगे, कैसे खुलती है मोटर अभी तक हमको नहीं पता, बट अभी हम इसको खोल के देखते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम समझ में आती है तो इसमें कुछ हाथ डालेंगे, अदरवाइज़ इसको दोबारा ऐसे ही पैक कर देंगे, वरना फिर मुझको मोटर ही चेंज करानी पड़ेगी। इसको खोलने के लिए पहले नीचे से इसका रेडिएटर हटाना पड़ेगा, तो क्योंकि रेडिएटर नीचे हट रहा है जिसकी वजह से इसके नीचे नट बोल्ट नहीं खुल पा रहे हैं। तो पहले रेडिएटर यहाँ से हटेगा, देन उसके बाद ABS को हम खोलने का ट्राई करेंगे। तो गाइस मोटर ये हमारी बाहर निकल चुकी है, इसके नीचे 3 बोल्ट लगे हुए थे, तो जिसको हमने रेडिएटर को हटाने के बाद वो बोल्ट खोल दिए हैं। तो अब मोटर खोलते हैं, मोटर बाहर निकालते हैं, मोटर बाहर निकालने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस है। मोटर को बाहर निकालने से पहले इसका एक कपलर लगा होता है, जो कपलर हमको पहले निकालना है, कपलर बाहर निकालने के बाद ही हमको ये मोटर बाहर निकालनी है। इसमें इसके होस पाइप भी लगे पड़े हैं, जो कि हमको पहले होस पाइप ही खोलने पड़ेंगे, होस पाइप खोलने के बाद ही ये हमारा बाहर निकलेगा। तो गाइस ये मोटर आ चुका है ABS के बाद, अब इसको देखते हैं क्या दिक्कत है, उसके अंदर कुछ समझ में आएगा तो उसको रिपेयर करेंगे अभी हम लोग। हमने हेड खोल दिया था, ये ऊपर का फ्रंट हेड होता है खोल दिया, तो देन ये मोटर कहीं और से नहीं खुलती, इसको नीचे से काटना पड़ता है। तो ये वाले पोर्शन पे हमने ब्लेड लगा के काटा है। तो गाइस इसका ABS का हमने मदरबोर्ड ऊपर से हटा दिया, तो दिखने मतलब खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। और ये इसका मेन मदरबोर्ड है, जो कि बड़ी मुश्किल के बाद ये निकला बाहर, तो काफ़ी बचा के निकाला, क्योंकि इसमें ऐसे कोई खोलने का सिस्टम दे नहीं रखा, हम इसको काट पीट के इसको खोला है हमने इसको। अब इसको हम चिपकाएंगे, बट पहले इसको हम चेक कर रहे हैं कि हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा। और अभी इसको हम इस पार्ट को इनको खोल के अंदर का पार्ट बाहर निकालेंगे, जिसके अंदर वॉल होता है, तो हम उसके बाद पता चलेगा कि हमारा ये ठीक है कि नहीं है। ये इसके मेन अंदर प्रेशर वॉल होती है, इससे प्रेशर बनता है और जिससे ABS हमारा काम करते हैं। तो अभी हम इसको निकाल के चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है इनके। गाइस ये ABS के अपने पल्सर RS 200 की मोटर खोली हुई थी, तो मोटर तो हमने चला के देखी है, मोटर तो हमारी फाइन वर्किंग है, और उसके जो यहाँ पे वॉल्स होते हैं ये भी हमने टेस्ट करके देखे हैं, वॉल्व भी सही काम कर रहे हैं। बट तब भी ABS के अंदर अब सेम प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो हमें फिटिंग करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए फिटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये वर्क अप कर रहा है कि सही से नहीं कर रहा। ये देखिए मोटर हमारी फाइन वर्किंग है, मोटर की आपको चलने की आवाज़ आ रही होगी। ये ABS के अंदर जो मोटर अभी आपको दिखाई थी, ये उस मोटर की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे सप्लाई पे भी यहाँ शॉर्ट हो रहा है और मोटर भी चल रही है। हम ABS की मोटर दोबारा इसके अंदर लगा रहे हैं और अभी हम चेक करके देखेंगे ये काम कर रहा है नहीं कर रहा।
अगर आप ABS की मोटर को खोलते हो तो उसके नीचे तीन हमारे बोल्ट लगे होते हैं, जिसके लिए पहले आपको जैसे मैंने बताया था कि रेडिएटर का पहले फ़ैन हटाना पड़ता है, उसको हटा के ये तीनों बोल्ट खुलेंगे, उसके बाद ही ये ABS की मोटर निकल के बाहर आएगी। और इसका ये कपलर होता है, ये कपलर हटाने के बाद और ये दोनों जो वॉल्व के बोल्ट होते हैं इनको निकालने के बाद तभी ये मोटर हमारी बाहर आती है। तो गाइस देखिए, अभी हमने इसके अंदर मोटर पैक करके लगा दी है और बाइक हमने स्टार्ट कर दी है। ये ABS की लाइट आ रही है, जैसे ही 5 की स्पीड क्रॉस होगी तो हमारी ABS की लाइट बंद हो जाएगी। और ABS अभी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, हमने ABS की मोटर निकाल के उसमें कुछ कार्बन आया हुआ था वो कार्बन हटा दिया है और मोटर अभी हमारी एकदम प्रॉपर वर्किंग कर रही है। अभी आपको हम दिखा देते हैं कैसे काम कर रही है। ये हमने स्टैंड पर लगाई हुई बाइक, ये व्हील घूमेगा, पिछला तो अभी फर्स्ट गियर पे है, अगला व्हील घूम रहा है। तो जैसे ही ये लाइट चली गई बाइक स्टार्ट होने के बाद, अब ब्रेक मारेंगे एक बार, मैं आपको देखो नीचे आवाज़ भी आएगी, अगर आपको आवाज़ आए तो बताना। ये मोटर की आवाज़ आ रही है, मोटर भी प्रॉपर वर्किंग है और ABS की लाइट भी अभी नहीं आ रही है। बाकी एक बार रोड पे भी इसको चला के चेक करते हैं कि इसके बाद भी अगर लाइट आती है तो उसको आपको बता देंगे कि कैसे सॉल्व आउट करना है। मैं एक बार आपको दोबारा दिखाया था, ये ब्रेक प्रेस करो, ये लाइट अभी भी नहीं, तो मतलब हमारी मोटर भी सही काम कर रही है। गाइज आपको साथ में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अंदर इसकी जो वायरिंग है ABS के पास, जो बाइक की वायर हो जितनी भी जा रखी है, सब जगह टाई लगी हुई है। तो हमने इस टाई को हटाया, टाई को काटा था, तो आप भी टाई को काटने के बाद तो टाई लगाना ना भूलें, क्योंकि इसके आसपास जो कंपोनेंट्स हैं तो इंजन की हीट से आपके कुछ वायर वगैरह फॉल्ट या जलना चाहे तो आप टाई ज़रूर लगाइएगा। टाई लगाने से हमारी वायर ही सेफ रहेगी और वायर हमारी प्रॉपर वे में पीछे की तरफ रहेगी, कोई इधर उधर वायर हमारी टच नहीं होने की है।